एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही, मैं वो कहानी सुनाता हूँ आपको और फिर हम आज एंड करेंगे। एक बिजनेसमैन होता है, एक व्यापारी होता है, बहुत परेशानियां होती है उसको, घर में परेशानी होती है, बिजनेस में परेशानी होती है, हर दिन कोई कोर्ट केस, कुछ ना कुछ लफड़ा, कुछ ना कुछ ये चल रहा है। तो वो इतना परेशान होता है कि वो कभी रेस्ट कर ही नहीं पाता, कभी सो ही नहीं पाता, कभी रिलैक्स नहीं कर पाता है, बहुत परेशान हो जाता। तो वो कोई एक दिन अपने गुरु के पास जाता है और गुरु जी से पूछता है कि गुरु जी ऐसे परेशानियां हैं, एक नहीं एक दुविधा, एक नहीं एक परेशानी हमेशा लगी रहती है, जैसे ही सोचता हूँ कि एक केस सॉल्व हुआ अब थोड़ा रिलैक्स करूंगा तो दूसरा कोई केस आ जाता है, जैसे उसको क्लियर करता हूँ तो तीसरी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे उसको क्लियर करता हूँ चौथी कोई प्रॉब्लम, और मैं रिलैक्स ही नहीं कर पाता, मुझे कुछ उपाय बताइए। तो गुरु जी ने कहा कि चिंता मत करो, इसका उपाय तो एकदम आसान है, मैं कल सुबह तुम्हें दूंगा, लेकिन आज रात को यहीं पर रुक जाओ और मेरा एक काम करना पड़ेगा तुम्हें। उसने कहा ठीक है गुरु जी, रुक जाता हूँ और आप जो भी कहेंगे कर लूंगा काम भी। तो उन्होंने कहा कि आज तुम्हें हमारा ये जो ऊंट का बाड़ा है, जहां पर ऊंट बांधे हुए है, लगभग 100-150 ऊंट थे गुरु जी के पास, वो बंधे हुए थे वहां पर, तुम्हें सोना है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि सारे ऊंट सो जाने के बाद तुम्हें सोना है, एक भी ऊंट अगर खड़ा है तो तुम्हें सोना नहीं, इतना ध्यान रखना, जब सारे ऊंट सो जाए तुम भी सो जाना और सुबह मैं मिलता हूँ, सुबह तुम्हारा सोल्यूशन मैं दे दूंगा। तो बोला ठीक है, चला गया ऊंट के बाड़े में, अपना बिस्तर विस्तरा लगाया, और ऊंट बहुत खड़े थे, 7-8 बजे होंगे रात के, तो बहुत से ऊंट खड़े थे, तो देख रहा था, वेट कर रहा था, धीरे धीरे ऊंट बैठने लगे, बैठने लगे, बैठने लगे। अब लास्ट में 3-4 ऊंट एक तरफ खड़े थे, लगभग रात के 10 बज गए थे। उसने सोचा कि चलो अब ये ऊंट भी बैठ जाए तो मैं सो जाऊंगा। थोड़ी देर में वो 3-4 ऊंट बैठ गए, जो ही वो बैठे उसने सोचा कि एक बार देख लेता हूँ सोने से पहले, एक नजर घुमाई तो इस तरफ 2 ऊंट खड़े हो। उसने कहा अरे यार ये खड़े हो गए, चलो कोई थोड़ी देर और वेट करता हूँ। 10-15 मिनट बाद देखता है कि वो 2 ऊंट भी बैठ गए, जो ही वो बैठे दूसरी तरफ और 4 ऊंट खड़े हो गए। अरे यार फिर 4 ऊंट खड़े, थोड़ा और वेट कर लेता हूँ, ये 4 ऊंट भी बैठे और कोई 2 ऊंट खड़े हो गए। यूं करते करते पूरी रात निकल गई, कोई ना कोई ऊंट तो खड़ा ही था, और गुरुदेव ने कहा था कि सारे ऊंट जब सो जाए तब तुम्हें सुनना है। पूरी रात वो नहीं सो पाया, कोई ना कोई ऊंट जाग ही जाता था, खड़ा हो ही जाता था, सुबह पूरी आंखें लाल उठ के गया और गुरुदेव सामने से आ रहे थे। गुरुदेव ने पूछा क्यों बेटा नींद तो अच्छी है रात को। गुस्से में बोला काहे की नींद गुरुदेव, आपने जो काम दिया था पूरी रात मैं नहीं सो पाया, कोई ना कोई ऊंट तो जग ही जाता था, कोई ना कोई ऊंट तो खड़ा हो ही जाता था, ऐसा हुआ ही नहीं कि सारे ऊंट एक साथ सो गए हो और मैं सो जाऊं। तब गुरुदेव ने कहा कि बेटा यही तुम्हारा सलूशन है, तुम जो ये सोचते हो कि जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो सब ठीक हो जाएगी उस दिन तू सोएगा, ये कभी होने वाला नहीं, जीवन का दूसरा नाम ही है परेशानी, परेशानियां है, तकलीफें हैं, दुविधाएं हैं, इसीलिए तो इसको जीवन कहते हैं। तो ये सारे ऊंट जैसे एक साथ कभी नहीं सोते, जीवन की परेशानियां भी एक साथ कभी खत्म नहीं होती, ये तो जीवन के साथ जुड़ी हुई है, तो चलती रहेगी, इनको खत्म होने का इंतजार मत कर, जब तुम्हें रिलैक्स करना है तो रिलैक्स कर दे, जब तुम्हें सोना है तो सो जा, उठने के बाद वापस देखेंगे उसका क्या करना है। रात हुई आंखें बंद की तो पूरी दुनिया को शटडाउन कर ली, ये मान के सोचा कि दुनिया तुम्हारे लिए है ही नहीं, सुबह उठने के बाद जो भी करना है कर लेंगे, रात को तो वैसे भी कुछ कर नहीं सकते, तो सो जाओ रिलैक्स करो, सारी परेशानियां कभी खत्म नहीं होती, जिस दिन हॉलीडे लेना है हॉलीडे ले लो, आने के बाद देखेंगे उसका क्या करना है। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स को हमें अटेंड करनी होती है तभी वो प्रॉब्लम ठीक होती है, कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जो आप अटेंड नहीं करोगे तो वो ठीक हो जाएगी, अटेंड करोगे तो वो बिगड़ जाएगी, तो उस सिचुएशन के हिसाब से आपको उस प्रॉब्लम को ऐसे ही छोड़ो। कई प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो आप कुछ भी करो वो ठीक नहीं होने वाले, उनको बस एक्सेप्ट कर लो, उनके साथ आगे बढ़ते रहो, स्ट्रेस मत लो, टेंशन मत लो, रिलैक्स रहो, और जितना आप रिलैक्स रहेंगे उतनी आप हेल्दी रहेंगे, जितने आप हेल्दी रहेंगे उतने ही आप सक्सेसफुल होंगे जीवन में,
और जितने आप सक्सेसफुल होंगे उतने ही आप अपने अपने परिवार का और पूरे समाज का भला करेंगे। ठीक है, तो जहां तक हो सके अपने आप को काम रखें, रिलैक्स करके खुश रहें, और बाकी जो जीवन में चल रहा है उसको जो करना है, जो कर सकते हैं वो करते रहिए।